पीथमपुर औद्योगिक नगरी में आने वाले आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शांतिपूर्वक व सामाजिक दूरी के साथ में इसे मनाने की बात कही गई। पीथमपुर में कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के कई नेता, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चडार ने इस कोरोना काल को देखते हुए शहर में होने वाले आगामी त्योहार जैसे होली और शबे बारात आदि कार्यक्रम के दौरान होलिका दहन के दौरान शांतिपूर्वक लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए त्योहारों को मनाने की समझाइश दी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि धुलेंडी पर शहर में धारा 144 लागू रहेगी। बाइट शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, इसमें निर्णय लिया गया कि होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाना है, अपने घर में रहकर मनाना है, कहीं भी ग्रुप के रूप में या गैर के रूप में त्यौहार को नहीं मनाया जाए। कम से कम लोग घर से निकले और शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं। आज थाना क्षेत्र में आगामी आने वाले त्योहारों और कोरोना और शांति व्यवस्था को लेकर आयोजित मीटिंग की गई, जिसमें जिलाधीश धार के द्वारा जो निर्देश दिए हैं, तो कोरोना की गाइडलाइन जारी की है और त्योहारों को मनाने के संबंध में जो निर्देश हैं वो बताए गए हैं। और समिति की सदस्यों ने भी विश्वास व्यक्त किया है कि ये प्रोटोकॉल को बनाए रखा जाएगा और सभी धर्म अनुयायी ये लोग भी उपस्थित थे, इनने भी ये सहमति दी है कि हम जो कानून या जो शासन द्वारा निर्देश दिए तो सभी का पालन करेंगे। ठीक है।